LNCT is not just a name, it's the most trusted brand of Madhya Pradesh. मध्य प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र आज से शुरू हो रहा है। 26 जुलाई तक चलने वाले इस 19 दिवसीय मानसून सत्र के दौरान कुल 15 बैठकें होंगी, जिनमें कई महत्वपूर्ण फैसलों पर मोहर लगने की संभावना है। इस सत्र में कमलनाथ सरकार अपना पहला बजट भी पेश करेगी। बजट पेश करने के हिसाब से देखें तो ये सत्र अब तक का सबसे छोटा सत्र है। वैसे सत्र भले ही छोटा है, लेकिन सत्ता पक्ष और विपक्ष के साथ प्रदेश की सियासत के लिहाज से काफी अहम है, जिसमें भारी हंगामे के साथ दोनों ही पक्षों का पावर गेम भी देखने को मिलेगा। आगे कैसा देखने को मिल सकता है विधानसभा का मानसून सत्र, आपको बताते हैं। विधानसभा के मानसून सत्र के हंगामेदार रहने के आसार। कानून व्यवस्था के साथ बिजली पानी के मसले पर टकराव संभव। किसान कर्ज माफी का मुद्दा भी हंगामे की वजह बन सकता है। कर्नाटक के हालत से सतर्क सत्ता पक्ष फ्लोर टेस्ट के लिए भी तैयार। एक दिन पहले सभी विधायकों को एकजुट और सजग रहने के निर्देश। विपक्ष आज बनाएगा सरकार को सदन में घेरने की रणनीति। 108 विधायक मिलकर पुरजोर तरीके से सरकार की जो पिछले 6-7 महीने की विफलताएं हैं, असफलताएं हैं, नाकामियां हैं, इनका हम हाउस के अंदर जिस विधि से भी होगा, प्रश्न उत्तर के माध्यम से, स्थगन, ध्यान आकर्षण या जो भी माध्यम होगा, उससे हम इन सबका उल्लेख करके और इनका प्रतिरोध करेंगे। सरकार के लिए हम कटघरे में खड़ा करने का काम करेंगे। मध्य में विधानसभा का सत्र कल शुरू है और हमारे सारे विधायक कार्यपत्री विपक्ष के लिए जो भी मुद्दे सामने सदन में आएंगे उनको पूरी ताकत के साथ उनका जवाब देने के लिए तैयार। कुल मिलाकर सदन शुरू होने के पहले सत्ता पक्ष और विपक्ष ने अपने इरादे जाहिर कर दिए हैं। इस हिसाब से सदन में होने वाले घमासान का अंदाजा आसानी से लगाया जा सकता है और ये घमासान कैसी तस्वीर पेश करेगा ये देखना दिलचस्प होगा। न्यूज वर्ल्ड डेस्क। नमस्कार, आज का विषय है कैसा होगा सत्र, और सत्र की तो शुरुआत भी हो गई, अब कैसा होगा इसकी शुरुआत भी देखने को मिली जब निर्दलीय प्रत्याशी शेर सिंह सेहरा ये कहते नजर आए कि सरकार रहेगी और मैं मंत्री भी बनूंगा। लेकिन मंत्री बनूं या ना बनूं, पर मेरी बातें तो तमाम सारे लोग मानने लगे हैं। मंत्री की बात भले ना माने, पर मेरी तमाम सारी बातों को मंत्रालय के लोग, तमाम सारे लोग मानते हैं। तो जाहिर है कि ये एक शुरुआत है, लेकिन उसके बाद तमाम तरह के बयान भी देखने को मिले। ये जो सत्र है ये 26 जुलाई तक चलने वाला है और सबसे छोटा सत्र होगा। इसमें बजट भी आना है, लेकिन आज पहला दौर, पहला दिन है, और उसके साथ ही तमाम सारे जो नेता जिन्होंने, जिनका देहावसान हुआ, उनको श्रद्धांजलि अर्पित की गई शुरुआत में, और उसके बाद सत्र की शुरुआत हुई है। लेकिन कैसा रहेगा ये सत्र, क्या इस सत्र में कुछ देखने को मिलेगा, क्योंकि सामने हम देख रहे हैं कर्नाटका की राजनीति जो है वो भी एक अलग तरह से गरमाई हुई है, और उसको लेकर चर्चा ऐसी भी है क्या मध्य प्रदेश में ऐसा कुछ तो नहीं हो जाएगा। तो चलिए आज इसी मुद्दे पर बात करते हैं। मेरे साथ रहेंगे रमेश शर्मा जी, जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं और सलाहकार है डीजेएनआई ग्रुप के, मैं उनका स्वागत करता हूं। चेतन जी है भारतीय जनता पार्टी के युवा प्रवक्ता, मैं उनका भी स्वागत करता हूं। सबसे पहले मैं रमेश शर्मा जी के पास ही चलूंगा। रमेश जी, क्या कहेंगे ये जो सत्र है आज, जिस तरह से शुरुआत हुई है, शेर सिंह सेहरा ये कहते भी नजर आए कि सरकार तो चलेगी और मैं मंत्री रहूं या ना रहूं, पर मंत्री जैसा काम तो करवा ही लेता हूं। एक विशेष प्रकार के तनाव में, या जिसको कहना चाहिए असामान्य परिस्थिति में शुरू हो रहा है, क्योंकि जिस तरीके से पहली बार एक तो विपक्ष की इतनी बड़ी ताकत है और जिस तरीके से उन्होंने कहा हुआ था कि हम फ्लोर टेस्ट को तैयार हैं, सरकार ने भी कहा कि हम तैयार हैं, उन्होंने कहा कि आप फ्लोर टेस्ट कराइए, इन सब के बीच में ये सत्र की शुरुआत हुई है। अब ऐसी परिस्थिति में फिर कर्नाटक का घटनाक्रम हुआ। कर्नाटक के घटनाक्रम की छाया हमने कल विधायक, कांग्रेस के जो विधायक दल की बैठक थी उसमें भी देखी, और उन्होंने एक एक मंत्री के जुम्मे 4-4 विधायक किए हुए हैं कि इन विधायकों को कोऑर्डिनेट आपको करना। तो स्वाभाविक रूप से कहीं ना कहीं कांग्रेस को कर्नाटक का घटनाक्रम देख करके वो अतिरिक्त सतर्कता तो बरत रही है। दूसरी बात, इस सत्र में हमको ये बात भी देखने को मिलती है, उम्मीद की जा सकती है या आशंका व्यक्त की जा सकती है सत्र में हंगामा ज्यादा होगा,
भले ही ये 27 जुलाई तक का सत्र है, लेकिन संभावना इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता क्योंकि सरकार के पास कुल 13 विधेयक हैं जी, और उनको जो मुख्य काम करना है वो बजट का पारित करना है। तो बजट और विनियोग विधेयक के बाद बहुत संभव है कि 13 विधेयक अगर उनके पारित हो जाए और वक्त से पहले पारित कर लें और वक्त से पहले अगर सत्र का समापन हो जाए तो कोई आश्चर्य की बात इसमें नहीं होना चाहिए। जी जी बिल्कुल आपने ठीक कहा। और सिर सिंह सेरा क्या कह रहे थे जरा ये भी सुन लेते। शेर सिंह सेरा की बैठ सुनाई। हाँ मंत्री तो बनेंगे ना भैया, बट मंत्री से ज्यादा काम करवा रहे हैं। मंत्री लोग तो वैसे समय से में घूम रहे हैं, अपन तो पूरा काम करा रहे हैं ताकत से। रोज वोटिंग करना चाहिए, 121 सदस्य मजबूत रहेंगे आपके साथ। कमलनाथ जी जिंदाबाद है। सर कर्नाटक का तो ऐसा आएगा मध्यप्रदेश में आंधी हुआ? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। पावरफुल है और बीजेपी की बातचीत तोड़ लेंगे हम लोग। उसका नाम बता दूंगा, प्राइवेट में मिलना। चलिए, तो ये इस तरह का हास परिहास भी चलता रहता है विधानसभा सत्र के दौरान, और कह रहे हैं कि बाद में मिलना, सब कुछ बता दूंगा कौन कौन से वो 5-6 विधायक हैं जो उनके संपर्क में हैं भारतीय जनता पार्टी के। लेकिन एक तरफ बीजेपी भी ये सपना देख रही है कि शायद लो फ्लोर टेस्ट में कुछ हो जाए। राजेश जुड़े हैं क्या मेरे साथ? चलिए चेतन जी क्या कहेंगे, ऐसा कहा जा रहा है कि फ्लोर टेस्ट इस बार फिर देखने को मिलेगा और आप लोग की तैयारियां भी है, लेकिन शेर सिंह सेहरा तो कह रहे हैं कि 5-6 लोग आपके उनके संपर्क में। देखिए शेर सिंह सेहरा जी अपने बारे में चिंतन कर लें कि वे कब क्या कहते हैं, कब क्या कहते हैं। साफ तौर पे जब उनका सुर बदला है तो मुझे लगता है कि उनकी भरपाई हो गई है, उनकी जो डिमांड है पूरी हो गई। डिमांड और सप्लाई का गेम है सरकार में। सरकार का कोई विजन नहीं है सर। सरकार का विजन ये नहीं है कि कर्ज माफी हो, सरकार का विजन ये नहीं है कि बिजली लोगों को मिले, पेयजल लोगों को मिले, सरकार का ये विजन नहीं है कि बच्चों को, जो गरीब बच्चों को, जो हमारी सरकार में पूर्व मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान जिनको लैपटॉप कंप्यूटर स्कूटी देते थे, उनको प्रोत्साहित करने का काम करते थे, ये विजन सरकार का नहीं है। स्वावलंबन योजना जहां बिजली का 200 रुपए में गरीब परिवार का महीने का बिल आता था, आज आप उठा करके देख लीजिए 4-4, 5-5, 6-6 हजार रुपए उनके घर का बिल आ रहा है। रोजाना 10-15-20 लोग मेरे यहाँ आते हैं, भैया ये देखिए क्या हो रहा है। तो मुझे लगता है जब सरकार ने गरीबों का गला दबाने की सोच ली है, ये सरकार ज्यादा दिन नहीं चलने वाली। और सेहरा जी अगर मेरी बात सुन रहे हो तो मैं फिर से कहता हूँ कि आपकी पूरी कांग्रेस मिलकर के कर्नाटक में कमल खिलने से बचा लेगा, बचा सकते हो तो बचा के देख लो। मतलब कर्नाटक की छाया यहाँ भी देख लो। जी जी। और जहां तक रही मध्य प्रदेश की बात, मैं सच कहता हूं, मैं कैलाश विजय वर्गीय जी की उस बात पर फिर से आता हूं कि जिस दिन भारतीय जनता पार्टी के हाईकमान ने कह दिया कि मध्य प्रदेश में सरकार बनाना है, उस दिन मध्य प्रदेश में कमलनाथ का अंत होगा। और कमलनाथ जी का अंत बहुत जल्दी होगा, क्योंकि जो सरकार जन मुद्दों के खिलाफ काम करे, जन भावनाओं के खिलाफ काम करे, ऐसी सरकार को रख के क्या करोगे। आज प्रदेश में कानून व्यवस्था कहाँ है, राजधानी में रोजाना 2-3 कत्लेआम हो रहे हैं, 4-5 छेड़खानी की घटनाएं हो रही हैं, रोजाना नियम बदल रहे हैं, ट्रांसफर पोस्टिंग का एक उद्योग खुल रहा है, वो कोई विकास के नाम पर कोई काम नहीं है, केवल तनख्वाह बांटो और ट्रांसफर पोस्टिंग करो। एक एक मंत्री एक एक दिन के 4-4, 5-5 लाख रुपए प्रभारी जिले से वसूली कर रहा है। सर कहां जाएगा 30-40 लाख रुपया होशंगाबाद से चल करके आ रहा है। मुझे लगता है सरकार में बैठे हुए मंत्रियों का केवल एक विजन है, पैसा पैसा पैसा। और जो लोग पैसे पर चल रहे हैं, मैं फिर से कहना चाहता हूं कि कहीं इतने पाप मत कर देना कि तुमको जेल के चक्कर लगाने पड़े, अदालतों के चक्कर लगाने पड़े, क्योंकि ये केंद्र में बैठी हुई वो सरकार है जो किसी को माफ करने के मूड में नहीं है। ठीक है चेतन जी, मैं लौटूंगा आपके पास। इस समय राजेश मेरे साथ जुड़, राजेश आप मुझे सुन पा रहे? राजेश जी, राजेश क्या कहेंगे, आज जिस तरह से सत्र की शुरुआत हुई है, शुरू में श्रद्धांजलि दी गई, शेर सिंह सेहरा का बयान भी सामने आया, क्या चल रहा है इस समय विधानसभा में? बिल्कुल निश्चित तौर पर मनोज जी, मध्य प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र जिसकी आज से शुरुआत हो चुकी है, 26 जुलाई तक ये सत्र चलेगा, कुल 19 दिन में 15 बैठकें होंगी। लेकिन जिस तरह से आज विधानसभा सत्र की शुरुआत हुई, पहले दिन पिछले सत्र और इस सत्र के बीच में जो 10 नेताओं का निधन हुआ उनको सदन ने श्रद्धांजलि दी और सदन की जो कार्यवाही है वो कल तक के लिए स्थगित कर दी गई। लेकिन अहम बात यह है कि अपने आप में ये अहम सत्र है, खास सत्र है, उसका कारण यही है मनोज जी कि 15वीं विधानसभा का ये तीसरा सत्र है और
जो पिछले दो सत्र हुए हैं काफी छोटे सत्र थे, ये 15 दिन का सत्र है, सरकार का बजट भी इसमें आना है। जिस तरह से हम लगातार बात कर रहे हैं, क्योंकि जो विपक्ष के तेवर हैं काफी सख्त हैं, और लगातार जो विपक्ष कह रहा है कि उसके पास तमाम सारे मुद्दे हैं सरकार को घेरने के, चाहे बिगड़ती हुई कानून व्यवस्था हो, चाहे महिला सुरक्षा का मुद्दा हो, युवाओं की बात हो, कर्ज माफी जो किसानों से वादा किया था उसकी बात हो, या बिजली का जो संकट मध्य प्रदेश में धीरे धीरे जो लगातार बढ़ रहा है उसकी बात हो, इसके इतर अगर बात करें तो जो थोक बंद तबादले हुए हैं उसको भी एक बड़ा मुद्दा बीजेपी बना रही है। लेकिन दूसरी तरफ कांग्रेस विधायक दल की बैठक मनोज जी जिस तरह से कल हुई, और कहीं ना कहीं कर्नाटक एपिसोड की छाया वहां पर साफ तौर पर देखी गई, क्योंकि विधायकों को जिस तरह से संबोधित वहां पर किया गया उसमें सहयोगी दल भी शामिल थे, और कहीं ना कहीं कहा गया कि आपको एकजुट रहना है, तमाम तरह के प्रलोभन आपको दिए जाएंगे, खरीद फरोख की संभावना की बात वहां पर की गई, और जिम्मेदारी दी गई एक एक नेता को, चार चार विधायकों को संभालने की। तो ऐसे में समझा जा सकता है मनोज जी कि सरकार के सामने चुनौती बड़ी है। लेकिन राजेश, अगर हम बजट की बात करें मनोज जी, क्योंकि बजट भी इस समय आना है, लेकिन केंद्रीय बजट के साथ जिस तरह से मध्य प्रदेश सरकार ने 2 रुपए डीजल और 2 रुपए पेट्रोल में बढ़ाए हैं, उसके बाद जो जनता के बीच में जो मैसेज है, कहीं ना कहीं अब तौर पर देखा जा रहा है कि महंगाई की तरफ राज्य बढ़ रहा है। थोड़ी देर पहले हमने वाणिज्य कर मंत्री ब्रजेंद्र सिंह राठौर से बातचीत की थी, उनसे पूछा था कि आपने वादा किया था कि 5 रुपए डीजल और पेट्रोल में दाम कम करेंगे, लेकिन आपने तो बढ़ा दिए। तो उनका कहना था कि राज्य को प्रगतिशील की तरफ ले जाना है, और ऐसे में इस तरह के निर्णय लेना लाजमी है। तो माना जा सकता है कि जो बजट आएगा मनोज जी, कहीं ना कहीं लगता है कि जिस तरह की वित्तीय स्थिति मध्य प्रदेश सरकार की है, कुछ कड़े फैसले सरकार ले सकती है, टैक्सेस में इजाफा कर सकती है वस्तुओं में। तो कुल मिलाकर सत्र एक तरफ कांग्रेस की रणनीति है, सरकार की रणनीति है, दूसरी तरफ विपक्ष की रणनीति है मनोज जी। जी राजेश, एक और छोटा सा मेरा सवाल था, आज शेर सिंह सेरा का बयान भी जो आया था, एक तरफ विपक्ष तैयारी में जैसा आप भी कह रहे हैं, लेकिन क्या लग रहा है आपको, क्या विपक्ष चूंकि बड़ा है हावी तो होगा स्वाभाविक तौर पर, लेकिन लो फ्लोर टेस्ट की जो बात कही जा रही है क्या वो भी देखने को मिलेगा? बिल्कुल निश्चित तौर पर, जिस तरह से नेता प्रतिपक्ष गोपाल भार्गव का बयान आया है और अपने सदस्यों से कहा है कि आप सदन में मौजूद रखिए, कांग्रेस भी कह रही है सारे सदस्यों से कि आप मौजूद रहें, नेता प्रतिपक्ष भी कह रहे हैं, जिस तरह से सेरा की हम बात करें लगातार दावेदारी कर रहे हैं, और सरकार के सामने यही चुनौती है मनोज जी, जिस तरह से कल की बैठक की हम बात करें कांग्रेस विधायकों के साथ में अपने सहयोगी दल के जो विधायक हैं, चाहे वो सपा के हों, चाहे बसपा के हों, चाहे निर्दलीय, उनको सबको बुलाया था और सबको समझाया था कि जब उचित समय आएगा उचित समय में आपको स्थान दिया जाएगा। लेकिन शेर सिंह, चाहे हम सुरेंद्र सिंह सेरा की बात करें, चाहे हम राम भाई की बात करें, चाहे अन्य अगर हम नेताओं की बात करें, वो लगातार अपनी बात रख रहे हैं सामने की उनको मंत्रिमंडल में जगह दी जाए। ऐसे में सरकार के सामने मनोज जी चुनौती बड़ी है। ठीक है राजेश, आप निगाह बनाए रखिएगा, हालांकि इस वक्त की बड़ी खबर है, आप मेरे साथ जुड़े बहुत बहुत धन्यवाद आपका, लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर यही है कि सत्र आज पहले दिन की शुरुआत हुई, लेकिन श्रद्धांजलि देकर कल तक के लिए स्थगित कर दिया गया। रमेश जी मैं आपके पास वापस लौटूंगा, क्या कहेंगे, जैसा राजेश भी बता रहे हैं कि तैयारी दोनों ही तरफ से है, हंगामेदार तो रहेगा स्वाभाविक तौर पर है, क्योंकि बहुत बड़ा विपक्ष है, इतना बड़ा विपक्ष देखने को मिला नहीं पहले कभी, लेकिन साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि कांग्रेस भी अपनी पूरी तैयारी में। निश्चित रूप से, जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि ये सत्र सामान्य परिस्थिति में नहीं हो रहा है, और दोनों के पास ही ताकत है, और दोनों के पास ही विपक्ष के पास चूंकि ज्यादा ताकत है, विपक्ष के पास कई बार खोने के लिए कुछ होता नहीं, और फिर उनके 108 की संख्या है, तो वो कोशिश ये करेंगे कि हर विधेयक पर हर बात पर उसका वोटिंग कराएं, उनकी बराबर कोशिश होगी। ऐसी स्थिति में सत्ता पक्ष को इस बात की आशंका भी होगी कि विपक्ष इस तरह की मांग कर सकता है, इसलिए उन्होंने एक एक मंत्री को, चार चार विधायकों को टैकल करने की बात की हुई। और इस बार हम ये भी देख सकते हैं, कुछ चीजें सदन में हमको ऐसी भी दिखाई देती हैं जो कार्रवाई का हिस्सा नहीं होती, लेकिन पत्रकार दीर्घा में बैठ करके हम देख सकते हैं। इस सत्र में हमको ये देखने को भी मिलेगा कि ये जो मंत्रीगण हैं और जिनके जिम्मे 4 विधायक हैं, वो अपनी सीट छोड़ करके बीच बीच में विधायकों के पास जाएं या उनके पास जा करके कुछ बात करें। मंत्रियों का मूवमेंट विधायकों के बीच में सदन के बाहर भी और सदन के भीतर भी हमको देखने को मिल सकता है, इस सत्र की एक बड़ी विशेषता। ये बड़ा दिलचस्प आपने बात कही है, मतलब सदन में ये भी चलता रहेगा, एक मंत्री आएगा और विधायकों के पास पहुंचेगा, फिर उनको समझाएगा और तैयार कुछ भी जा करके उनसे कहीं ना कहीं इंटीमेसी बढ़ाने के लिए 2 मिनट उनके बगल में बैठ जाएगा। तो कहीं ना कहीं ये जो विधायकों का
इंटीमेसी या उनका विश्वास जीतने की बात है, क्योंकि अविश्वास का प्रश्न जो कांग्रेस का समर्थन बाहर से कर रहे हैं, कुछ निर्दलीय हैं, दो सापा के एक, दो बसपा के एक सापा के और निर्दलीय चार, इनके अलावा भी कांग्रेस के भीतर भी तबादलों को लेकर के और अपनी बातों को लेकर के असंतोष था, जो पिछली बैठक में अपन को सामने आया था। उन्होंने कहा था कि मंत्री सुन नहीं रहे हैं, उन्होंने कहा था कि अधिकारी सुन नहीं रहे हैं। तो ये जो है, इस कारण असंतोष केवल जो विधायक समर्थन कर रहे हैं उनमें ही असंतोष नहीं था, असंतोष दल के भीतर भी था जी। तो ऐसी स्थिति में मंत्रीगण उन विधायकों को बुला सकते हैं, भले ही अपने बंगले पे बुला लें, उनके साथ बैठ जाएं, ना हो तो उनके साथ कैंटीन चले जाएं, कुछ ना कुछ हमको विधायकों मंत्रियों के बीच में एक इंटीमेसी का वातावरण इस सत्र में अपेक्षाकृत ज्यादा देखने को मिलेगा। जी जी चेतन जी, क्या लग रहा है? बहुत डरा दिया आपने, जैसा रमेश जी बता रहे हैं कि बार बार मंत्री उनके पास जाते नजर आएंगे, मिलेंगे, तो क्या ये दौर आपके बंगलों पर भी चल रहा है? आ रहे हैं क्या कांग्रेस वाले मिलने? देखिए, कई चीज़ें हैं जिनका जिक्र न्यूज चैनलों पर और स्टूडियो में तो नहीं हो सकता है, लेकिन इतना तय है कि भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में जब चाहे तब सरकार गिरा सकती है और जब चाहे तब हम सरकार बना सकते हैं। यही कारण है कि कांग्रेस ने अपने मिनिस्टरों को, एक आदमी एक मिनिस्टर, चार पांच लोगों को, तो मुझे लगता है कि ये जो इस तरह का गैंगवार है, ये स्वतः दर्शा रहा है कि सरकार अपना बहुमत खो चुकी है, अपना भरोसा खो चुकी है। मध्य प्रदेश में संख्या बल के आधार पर आपकी सरकार तब तक चल रही है जब तक भारतीय जनता पार्टी की आप पर कृपा है। ये माफ करना, अब सरकार आपके दम पर, आपके बूते पर, आपकी संख्या बल के आधार पर नहीं बची। राजनीति में कई बार परिस्थितियां काम करती हैं। आपका तो एक विधायक और कम हो गया है अब, झाबुआ वाला जो सांसद। देखिए राजेश जी, मैं सच कह रहा हूँ, जिस दिन ये घटनाक्रम होगा 35 से 42 विधायक आएंगे। आप कहाँ एक दो के चक्कर में लगे, 35 से 42 विधायक आएंगे भारतीय जनता पार्टी में। और मुझे लगता है कि ये दृश्य इस मध्य प्रदेश की राजनीति के इतिहास पर, राजनीतिक पटल पर, कम से कम मध्य प्रदेश में हम सबको पहली बार देखने को मिलेगा। जहां तक कांग्रेस और कांग्रेस के दावे की बात है, जो इरादे की बात है, जो उनके मंसूबे हैं, बहुत साफ है, और उनके मिनिस्टर विधायकों में भी इस बात को लेकर हड़कंप है। जितने दिन ये सरकार है, जो हम कर सकते हैं, जो आप कर सकते हो, ये खुलेआम बात कर रहे हैं, आप तो कर लीजिए। आप कहो, आप शायद सुनाओगे नहीं, कई मंत्रियों का तो मेरे पास है कि आप बताइए, आपको काम बताइए, इसमें क्या है, क्या है, मतलब क्या है, आप समझ नहीं रहे क्या है। तो इस तरह की बात है और खुलेआम इनके मंत्री बात कर रहे हैं। कोई एक कांग्रेस के लोगों की मैं हिम्मत की दाद देता हूं कि इतनी खुल के बात जो वो कर लेते हैं, शायद भारतीय जनता पार्टी के उसमें नहीं है ये सब। एक दो आप सुना क्यों नहीं देते हैं आपके पास? अगर आप सुनाने को तैयार हो तो मैं भी आपको दे सकता हूं। आप तो अगर तैयार हो तो मैं व्हाट्सएप से आपको फॉरवर्ड कर देता हूं। चलिए इसके बाद देखते हैं और फिर ये भी होगा। और मुझे लग रहा है कि आप ये कहें लोग कि इसका वॉइस सैंपल करा लीजिए, क्योंकि कई जगह बातें यही आती घूम फिर करके, लेकिन कमोवे सरकार का चाल चरित्र चेहरा जो अभी है, आप मेरी छोड़िए, आप तो ब्यूरोक्रेसी में कहीं भी किसी मंत्रालय में किसी के भी कक्ष में जाकर के बैठ लीजिए मनोज जी, आपको सारी परिस्थितियां बहुत आईने की तरह साफ हो जाएंगी कि इस सरकार में चल क्या रहा है, सरकार में हो क्या रहा है जी। और इस सरकार में जनता का विजन कहाँ है, गरीब बेरोजगार युवकों का विजन कहाँ है, जो लोग रोजगार की बात करते थे उस विजन को कहाँ देख रहे हैं। अभी आपने बृजेंद्र सिंह राठौर जी की जो बात कही, वो क्या करें बेचारे, वो मंत्री हैं, उनकी मजबूरी है कि हमको विकास करना है, इसलिए 5 रुपया बढ़ाना। अभी माननीय कमलनाथ जी 10 रुपए कह दे तो 10 रुपए ही बढ़ाना है। देखिए कमलनाथ जी बहुत साफ गोई वाले आदमी हैं। मुझको नहीं पता था कि मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर की कुर्सी इतनी खराब है कि आदमी उस पर बैठते ही झूठ बोलने लगता है। तो मुझे लगता है कि माननीय कमलनाथ जी को जिस भरोसे के साथ इस मध्य प्रदेश की जनता ने चुना था, माननीय कमलनाथ जी भी अब अपना भरोसा जनता के बीच में खो रहे हैं। अब दिखेगा ना चेतन जी, अब समय नहीं मिला ना, अब इस सत्र के बाद नजर आ रहा है धीरे धीरे कर कमलनाथ जी बड़े एक्टिव मोड पर नजर आ रहे हैं जी। देखिए, वो समय कभी नहीं होता है जिसको कहो कि ये पूर्ण काल है। मुझे लगता है 99 और 100 के चक्कर में जो पढ़ते हैं वो डिफीट खाते हैं। जिंदगी का भरोसा नहीं, जिंदगी कौन से चौराहे पे कौन से मोड़ पर खत्म हो जाए। आज जो समय है इसमें आप परफॉर्मेंस करिए, आज जो समय है इसमें जनता से जो आपने वादे किए हैं उन वादों पर काम करिए, हकीकत पर करिए। आज आपने कहा था हम बिजली बिल हाफ करेंगे, क्या मैं कह रहा था हाफ हुआ क्या? बिजली की कमी किसको नहीं पता, हाफ तो शहरों में हो गई है। बिजली आती है कब जाती है ये नहीं पता है, और लोग कह रहे हैं कि बिजली नहीं जाती है। अभी मैं तो कल कमलनाथ जी की एक लाइन पढ़ रहा था, किसी अखबार में पढ़ा कि भारतीय जनता पार्टी के शासन में जो इलेक्ट्रिसिटी के तार है वे घटिया किस्म के तार है, इसलिए बिजली जा रही है। तो मुझे लगता है इतने सीनियर लीडर को जिनका राजनीति का 50 साल का अपना कार्यकाल हो, इस तरह से हल्की बात नहीं करना चाहिए। अगर कहीं है कमियां
मैं तो मानता हूं यह भी कि अगर हमारी सरकार में भी कमियां हैं, आज चलाने वाले डंडा आप हो ना, आप उन पर कार्रवाई क्यों नहीं करते? आप ये कहकर भ्रमित नहीं कर सकते लोगों को। आज का जो युवा है, मैं पहले भी आपके चैनल पे कहता था कि फर्स्ट और सेकंड अटेम्प्ट का जो युवा है, जो वोटर है, आप उसको बरगला नहीं सकते हो। आज ये बातें कहके आप मध्य प्रदेश के नौजवानों को गुमराह नहीं कर सकते। आज मध्य प्रदेश का नौजवान जानता है कि मध्य प्रदेश से शिवराज सिंह चौहान जी को खो करके उसने गरीबों के जन नेता का आशीर्वाद खत्म कर लिया है। आज तड़प है लोगों को सरकार बदलने की। और मैं सच कहता हूं, अगर कहीं चुनाव हुए बीच में तो कांग्रेस ऐतिहासिक रूप से उस स्तर पर आएगी जिस स्तर पर ये दिल्ली की लोकसभा में है कि इनको विपक्ष का दर्जा नहीं मिलेगा। रमेश जी, तय कांग्रेस करे। रमेश जी, लेकिन जिस तरह कर्नाटका का पूरा माहौल बना हुआ है, क्योंकि विधानसभा चली रही है, मौका भी है, दस्तूर भी है, तो क्या ये आपको लग रहा है कि कहीं कोई ऐसी स्थिति बन सकती है विधानसभा के अंदर देखने को मिल सकती है? देखिए, विधानसभा में ये स्थिति की देखने की थोड़ी संभावना कम दिख रही है। उसकी एक वजह क्या है कि भाजपा अगर मध्य प्रदेश में सरकार पर कुछ निर्णय ले भी रही होगी, तब भी सबसे पहले वो कर्नाटक की स्थिति को देखेगी, वहाँ स्थिति क्या आकार देती है। कर्नाटक में अभी आज विधायक दल की बैठक है, आज या कल विधायक दल की बैठक है, और कांग्रेस और जनता दल दोनों अपने विधायकों को मनाने की कोशिश कर रही है। ऐसी स्थिति में वो क्या कार्रवाई करती? कांग्रेस के वहां दो स्टेटमेंट आए, एक किसी ने कहा त्यागपत्र अगर स्वीकार नहीं होगा तो वो कैसे काम होगा ही नहीं, त्यागपत्र स्वीकार। दूसरे ने कहा है, ये भी आया है कि जो लोग विधायक दल की बैठक में 9 तारीख को नहीं आए उन पर कार्रवाई करिए। तो वहां के एक निर्दलीय विधायक ने भी इस्तीफा दे दिया है, खबर ये भी आ रही है कि डिप्टी सीएम परमेश्वर सहित तमाम सारे लोगों ने भी इस्तीफा दे दिया। तो मुझे लग रहा है कि अभी मध्य प्रदेश में भाजपा ऐसी जल्दबाजी नहीं करेगी, पहले कर्नाटक की स्थिति आकार ले ले, चाहे तो इस पक्ष में आए उस पक्ष में। और मैं समझता हूं जो भी कुछ होगा वो विधानसभा के सत्र के बाद ही होगा, अभी जल्दी कुछ नहीं होगा। जी, बजट में क्या देखने को मिल सकता है? देखिए, बजट में जिस तरीके से उन्होंने डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ाए हैं, उससे ऐसा लगता है कि बजट में कहीं ना कहीं आमदनी बढ़ाने के मामले में कुछ सख्ती होगी। और कुछ चीज़ों पे भले ही चाहे वो सिगरेट हो सकती है, शराब हो सकती है, कुछ चीज़ों पे वेट तो बढ़ेगा जी। और मैं समझता हूँ आमदनी बढ़ाने का सरकार बराबर कोशिश करेगी। खर्च में कटौती पर भी वो योजनागत खर्च काट सकती है, सुविधाओं के खर्च नहीं काट सकती। जैसे अगर आपने देखा होगा, आज ही उनका फैसला छपा है कि 2 हेलीकॉप्टर खरीदेंगे, तो जो सुविधाओं के वाले खर्च है, मुझे उसमें कटौती की संभावना कम लग रही है। जन सुविधाओं मतलब योजना का जो है उसमें कुछ ना कुछ कटौती हो सकती है। इस बजट में हमको थोड़ा सा ट्रैक तो नया दिखेगा। और कुछ चीजों में चूंकि कांग्रेस में और भाजपा में कुछ बुनियादी अंतर है नीतियां बनाने में, तो वो अंतर भी हमको इसमें देखने को मिलेगा प्राथमिकताओं का। जी, एक छोटी सी प्रतिक्रिया चेतन जी आपकी, क्या आपको लग रहा है जैसा आप कह रहे हैं लगातार कि सरकार पर दबाव बनाया जाएगा, तमाम सारी चीजें देखने को मिलेगी, क्या वास्तव में बीजेपी इस तैयारी में है? एक छोटा सा कमेंट। देखिए मनोज जी, हम तो चाहते हैं कि किन्हीं भी परिस्थितियों में, चाहे आप हो चाहे हम हो, प्रदेश का और प्रदेश की जनता का भरोसा और विकास होना चाहिए, किसानों का उद्धार होना चाहिए। लेकिन मुझे लगता है कि जिन वादों पर, जिन घोषणा पत्रों पर, जिन शर्तों पर कांग्रेस ने चुनाव लड़े थे, कांग्रेस उससे पीछे भाग रही। हम मजबूत विपक्ष की भूमिका में हैं और हम हर गली चौराहे सदन में कांग्रेस को और उसकी सरकार को घेरने का काम करेंगे, क्योंकि जनता ने हमको ये जवाबदारी दी है। और डेमोक्रेसी में तो मनोज जी, अगर जनता ने हमको झाड़ू लगाने का भी काम दिया तो हमको बहुत ईमानदारी और निष्ठा के साथ करना चाहिए। तो मुझे लगता है कि हमारे 108 विधायक इस काम को बखूबी करेंगे और सरकार को तब तक हम चैन से नहीं बैठेंगे न बैठने देंगे जब तक ये जनहित के मुद्दों पर सकारात्मक रूप के साथ काम करने की तैयारी नहीं करती। बिल्कुल ठीक है, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद, रमेश जी और चेतन जी, आप मेरे साथ जुड़े। लेकिन ये सच है कि इस विधानसभा का सत्र बड़ा हंगामेदार होने वाला है। लगातार बीजेपी यानी विपक्ष की तरफ से इस बात की तैयारी है कि जहां मौका मिले बिजली पानी जैसे जो मुद्दे रहे हैं उनको लेकर घेर लिया जाए। लेकिन उससे भी बड़ा मुद्दा यह है कि अभी जिस तरह से दीनदयाल रसोई जो चला करती थी उसको बंद किया गया, उसकी तरफ उस बात को लेकर भी शिवराज सिंह ने ट्वीट किया है और निशाना साधा है सरकार पर। लेकिन विधानसभा सत्र के दौरान अब आने वाले दिनों में ये तमाम सारी चीजें देखने को मिलनी है। लेकिन ये देखना भी दिलचस्प रहेगा कि कौन किस पर कितना भारी होता है, क्योंकि एक तरफ 108 है तो एक तरफ 114, पर मजे तो निर्दलियों के। आज इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। इस कार्यक्रम के सह प्रायोजक थे NCT इज नॉट जस्ट अ नेम, इट्स अ मोस्ट ट्रस्टेड ब्रांड ऑफ मध्य प्रदेश।